एक हफ्ते पहले जिन किसानों ने खेत में राहुल गांधी को अपना देसी खाना खिलाया था, अब राहुल प्रियंका ने उन्हें दिल्ली अपने आवास पर बुलाकर उन सभी किसानों का बहुत सम्मान के साथ खूब आवभगत किया है। बता दे, इसी महीने 8 तारीख को सोशल मीडिया पर जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो तस्वीर राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी अचानक से 8 तारीख को सुबह सुबह बरोदा हल्का के गांव मदीना में पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने पहुंचकर खेत में ट्रैक्टर भी चलाया था और मजदूरों के साथ मिलकर धान की रोपाई भी की थी। अचानक से राहुल गांधी को खेतों में देखकर काफी भीड़ भी उमड़ पड़ी थी। किसानों के साथ खेत में धान बुआई करने के बाद राहुल गांधी ने किसानों से खेती किसानी की भी बात की। इसके बाद राहुल गांधी चारपाई पर बैठकर उन्हीं किसानों और मजदूरों के साथ भोजन भी किया। मजदूर जो टिफिन लेकर आए थे, उसमें से ही राहुल गांधी ने उनके साथ भोजन किया था। अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने उन्हीं किसान बंधुओं को अपने घर भोजन के लिए बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने जिन किसानों के साथ धान की बुआई की थी और उसके बाद उनके साथ बैठकर नाश्ता किया था, उन सब किसानों को दिल्ली में 10 जनपद स्थित अपने घर पर बुलाकर सबको लंच कराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाएं, बच्चे और मजदूर बस में राहुल गांधी के निवास पर पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थी। इन तीनों लोगों के साथ उन सभी किसानों मजदूरों ने भोजन किया। साथ ही महिलाओं ने गीत गाते हुए उनके निवास में प्रवेश किया। राहुल गांधी के तायो हाँ जी बुला रखे थे, तम जी बुला रखे थे, लंच पे बुला रखे, हाँ जी लंच पे बुला रखे थे जी। प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने खाने के लिए इनवाइट किया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भोजन करने के बाद महिलाओं ने राहुल से कहा कि आपने जो वादा किया था वो निभाया, हमने तो आपको सूखी रोटी खिलाई थी और आपने हमें अपने घर बुलाकर शानदार भोजन कराया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने महिलाओं और मजदूरों के साथ चर्चा भी की। आपको बता दे, राहुल गांधी जब मदीना गांव पहुंचे तो सारिका नाम की लड़की ने उनके लिए अपने घर से खाना लाया। राहुल गांधी को नाश्ते में दाल और रोटी के साथ लस्सी भी पेश किया गया। राहुल गांधी ने उन्हीं ग्रामीणों के साथ बैठकर खाना खाया और उनसे अपने अनुभव भी साझा किए। इसी दौरान राहुल गांधी ने अपनी साथ बैठी महिलाओं की अपनी बहन प्रियंका गांधी से बातचीत करवाई। इसी बातचीत के दौरान किसान महिलाओं को प्रियंका गांधी ने दिल्ली आने का न्योता दिया था। राहुल गांधी के लिए घर से नाश्ता लाने वाली बच्ची ने बताया कि राहुल गांधी ने महिलाओं से बातचीत की, उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा, साथ ही जाना कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल आपको बता दे, 8 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली से बाई रोड शिमला के लिए निकल रहे थे। इसी दौरान वो अचानक सोनीपत के मदीना गांव पहुंच गए। अपने पैंट को घुटने से ऊपर उठाकर वो खेत में घुस गए, जहां पर उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया और महिलाओं के साथ धान की रोपाई भी की। अचानक से राहुल गांधी को खेतों में देखकर किसान हैरान हो गए थे। उनको देखने के लिए काफी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी।